हेलो दोस्तों, तो साइबर सिक्योरिटी के आज के एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था CISM का सर्टिफिकेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी, कितनी मेंबरशिप फ़ीस होती है, कितनी एनुअल फ़ीस होती है, बुक कौन सी पढ़नी है, कितनी बुक्स पढ़नी है, उस बुक का कॉस्ट क्या है, मेंबरशिप का कॉस्ट क्या है, अगर बुक के पास अगर आपके पास मेंबरशिप है तो क्या कॉस्ट है, ऐसे तमाम बातें समझी थी। और उसके बाद हम लोगों ने ये कंक्लूज़न भी निकाला था कि मेंबरशिप लेने में भलाई है, क्योंकि उसके बाद जो कॉस्ट आती है वो कई ज़्यादा आ जाती है अगर आप मेंबरशिप आपके पास नहीं है, ठीक है। और CPE के बारे में भी डिस्कस किया था, इंडियन रुपीज़ में कितना टोटल खर्चा आएगा, वो सब भी हम लोगों ने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि भैया देखिए, चलिए हम लोग ने बुक्स तो खरीद ली, ठीक है, आपको 3 बुक्स खरीदनी थी, एक CISM रिव्यू मैनुअल, एक CISM रिव्यू क्वेश्चन एंड आंसर जिसमें आपको डम क्वेश्चन मिलते हैं, और एक आपको खरीदनी थी ऑल इन वन बुक जो आपको एज ए रेफरेंस के लिए पढ़नी थी, लगभग 3,500-4,000 रुपये की वो बुक पड़ती है, ठीक है, और $109 की पड़ती है CISM रिव्यू मैनुअल अगर आपके पास मेंबरशिप है, और $139 की पड़ती है अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है। तो ये सारी डिटेल हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में जैसा मैंने बताया, मैं ये मान के चल रहा हूँ अब आप लोग के पास बुक आ चुकी है, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनिए, आपके पास बुक आ गई है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको शांति से एक घंटा उसके जो बुक में जो पहला चैप्टर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस वो पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि कितना टाइम लग रहा है, कि आप एक घंटे में कितने पेजेस पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ये कैलकुलेशन मैं आपसे क्यों मांग रहा हूँ, पहले आपको बुक मिलने के बाद ज़रूर से आप एक घंटे में देखिएगा आप कितने पेजेस पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने खुद अपने पे अप्लाई करी थी जब मैंने CISM का एग्ज़ाम दिया था और पास भी किया था, और ये केवल और केवल CISM की प्रिपरेशन में आपको लगानी है। अगर आप कोई और सर्टिफिकेशन लगा रहे हैं तो वहाँ पर ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी, ठीक है। तो देखिए, इसमें 4 डोमेन है या 4 चैप्टर है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, और 4th डोमेन या चैप्टर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि भैया किस चैप्टर पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ, किस में ज़्यादा परसेंटेज हैं क्वेश्चंस के आने के, सो दैट मेरे को समझ में आए कि भैया ये चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर में आते हैं वो है चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आते हैं 30%। पहला चैप्टर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस जिसमें 24% है, दूसरा चैप्टर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने बताया 30% है, थर्ड चैप्टर जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट है वो उसमें आते हैं 27, और लास्ट चैप्टर जो इंसिडेंट रिस्क मैनेजमेंट का है, जो SOC ऑपरेशंस अगर आप अगर हैं तो सबसे ज़्यादा आपको इस चैप्टर से हेल्प मिलने वाली है, और इसमें आते हैं 19% क्वेश्चन, और अगर आप 24, 30, 27 और 19 को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 100%। अब स्ट्रेटजी क्या है, आप अगर डोमेन 1 में देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं वो हैं 45। मैंने आपसे शुरू में बोला था कि भैया आपको पहले एक घंटा शांति से पढ़ना है और देखना है कि आप कितने पेजेस एक घंटे में पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर जो मैंने देखा है इंक्लूडिंग मी, जब मैंने पढ़ाई करी थी और जितने भी एस्पिरेंट्स के साथ मैंने अब तक कम्युनिकेट किया है, मेरे का ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि लगभग 4 पेज एक घंटे में पढ़ लेते हैं, मतलब 15 मिनट में आप एक पेज पढ़ लेते हैं। मैंने बताया पहला जो चैप्टर है उसमें मात्र 45 पेजेस हैं, मतलब पहला चैप्टर को ख़त्म करने में आपको कितने घंटे लगेंगे, आप 45 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाता है 16.5, ठीक है। तो मतलब 16.5 घंटे में आप पहला चैप्टर पढ़ लेंगे। सिमिलरली अगर आप डोमेन 2 देखते हैं तो उसमें 59 पेजेस हैं, डोमेन 3 में 109 पेजेस हैं, डोमेन 4 में 64 पेजेस हैं। तो अगर आप इन सब को एक एक करके 4 से डिवाइड करते जाएंगे तो पहला चैप्टर में आपको 16.5 आवर्स, दूसरे चैप्टर में 32.75, तीसरे चैप्टर में 61.25 और चौथे चैप्टर में आपको 78.25 आवर्स लगेंगे,
इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो टोटल आपको CISM रिव्यू को पढ़ने में लगेगा 188.75 आवर्स, ठीक है। लगभग आप ये समझिए 188 से आप 190 पकड़ लीजिए मोटा मोटा, ठीक है। इसके बाद आपको मैं ये बताता हूँ, जो मेरी सेकंड बुक मैंने बताई थी उसमें लगभग आपको 30 घंटे आप पकड़ लीजिए। आप ये बुक पढ़ने के बाद देखिए, ये बुक बहुत ज़्यादा स्लो है, आप चाहे जितना फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसमें रिपीटिशन है, थोड़ी बोरिंग भी है, इसलिए आपको अगर एक घंटे में आप 4 पेज पढ़ रहे हैं, आप अगर ऑल इन वन पढ़ेंगे मिस्टर पीटर की, तो आप कम से कम 10 से 15 पेज भी पढ़ सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ लगभग 30 घंटे में आप वो पूरी बुक पढ़ लेंगे। वो इसी का ही क्रस्ट भी है, काफ़ी कुछ मैटर आपको मिल जाएगा समझने में, बहुत ईजी है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि आपको मॉक टेस्ट के लिए भी एक बुक पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको कई सारे मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ लगभग 30 घंटे आपको लगेंगे मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आपका ओरिजिनल CISM रिव्यू मैनुअल में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है 188.75 आवर। जो अनदर बुक आपको मैंने बताई ऑल इन वन, उसमें लगेंगे 30 आवर्स। जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जो आपको मॉक टेस्ट है, उसमें लगेंगे 30 आवर्स। तो ये सब मिला के आपके हो जाते हैं 248.75 आवर्स। मैं इसको लगभग 250 घंटे मान के चलता हूँ। कभी आपका तबीयत खराब है, कभी आपने स्लो पढ़ा, कुछ बैकफिल हो गया, कुछ बैक्स पीछे के एक दो पेजेस बच गए जो आपको नेक्स्ट डे पढ़ने हैं, तो वो सब मिला के आपको 250 आवर्स में आप समझिए आपका चैप्टर तैयार हो जाएंगे CISM के। CISM रिव्यू मैनुअल ख़त्म, एक एडिशनल बुक ख़त्म, और आपके मॉक टेस्ट भी हो गए। तो 250 आवर्स को पढ़ने हैं आपको। अब अगर ये मान के चलिए कि कैसे भी करके आप एक दिन में 3 घंटा पढ़ते हैं, तो 250 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो लगभग 83 डेज निकल के आते हैं, 83 डेज का मतलब लगभग 90 दिन भी अगर मैं मोटा मोटा पकड़ लूँ तो आपका 3 महीने में CISM का पूरा प्रिपरेशन हो सकता है, जिसमें से अभी 7 दिन बचे भी हैं। मैंने टारगेट आपको 83 का दिया है, आपने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ली, आपके पढ़ने में 1 पेज या 2 पेज का भी फर्क हो गया तो ये आपका और कम हो जाएगा, 2 महीना कुछ दिन हो सकता है, जो अभी लगभग 3 महीने के आसपास आ रहा है। लेस देन 30 डेज, 30 मंथ है, 90 दिन से कम का टारगेट मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने खुद पे अप्लाई किया था, और ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो करी थी और उसके बेसिस पे मैंने एग्ज़ाम पास किया था। आप अगर स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो जैसे मैंने कहा ये 250 डेज जो हैं, 250 आवर्स हैं, ये 180 से 200 तक भी जा सकता है, और 200 आ गया तब तो फिर आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया तो ये भी है बट वो और अच्छा हो जाएगा आपके, उसके पहले भी हो जाएगा। देखिए, जल्दी देने के चक्कर मत रहिएगा, आपका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो रहा है आप छोड़िएगा नहीं एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम की तैयारी को। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में कंसेप्ट ही आपको बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना, आपने जो पढ़ा है बस वही याद आने वाला है आपको, वही बताएगा कि बॉस मैंने पढ़ा था, उसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। सो जल्दी मत रहिएगा कि मैं 2 महीने में एग्ज़ाम दे दूंगा, 10 दिन में एग्ज़ाम दे दूंगा, नहीं। प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग बना के अपनी स्ट्रेटजी को इस्टेब्लिश करिए और फिर एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं अपनी असली मुद्दे पर कि अब पढ़ाई करने